तो बच्चों हमारा आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे कि a प्लस आई भी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर हम स्क्वायर रूट इसका निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई भी, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे a प्लस आई भी। लेट कर लेते हैं क्या कि a प्लस आई भी का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें, इसका स्क्वायर रूट निकला x प्लस आई वाई। मेरा टारगेट है कि x और y को फाइंड आउट करना, अगर x और y फाइंड आउट मिल गया तो मतलब समझ गए कि a प्लस आई बी का हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लिए। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो लेट कर लेते हैं सब। एट फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा टारगेट क्या है, x और y निकालना, x और y का वैल्यू आएगा डायरेक्ट पुट करेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर ये आ गया। दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या रहा है वो देखिए, तो a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, रूट तो खत्म हो जाएगा, तो a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आई। तो जो रियल टर्म है रियल टर्म के इक्वल और इमेजिनरी टर्म के इक्वल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a, टू एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b। तो जब ये वैल्यू आता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू एक्स वाई इज इक्वल टू बी, तो कोशिश करते हैं हम लोग क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाले ताकि एक्स और वाई का वैल्यू निकालने में आसानी हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू को आप क्या लिखोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस इधर क्या लिखना होगा हम लोगों को, तब प्लस यहाँ पे प्लस लिखना होगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये रूट के अंदर, ठीक है। तो अगर हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको सॉल्व कीजिए या फिर इसको सॉल्व कीजिए, दोनों बात बराबर पड़ेगा और सॉल्व हो जाएगा आपका। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है का अगर होल स्क्वायर कीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा, एक्स टू द पावर फोर वाई टू द पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आप इसको सॉल्व करो, ये टोटल अंदर वाला जो है क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर फोर वाई टू द पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो सॉल्व कीजिएगा तो एक्स टू द पावर फोर वाई टू द पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही क्या है सेम है, तो मतलब इस चीज़ को हम लोग इसके इक्वल लिख सकते हैं, जब स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, तो सेम यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आया आपका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट के अंदर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पहले से लिखा हुआ ए स्क्वायर है ना प्लस और टू ए बी का होल स्क्वायर, टू एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो टू एक्स वाई का वैल्यू कितना बी बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आया है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। ये इक्वेशन वन था और ये इक्वेशन टू है। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अगर सॉल्व करते हैं, तो क्या आता है बच्चों, देखिए वन एंड टू अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है ए। सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर, दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ टू एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। और अगर हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा, पहले तो 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में आ जाएगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाय 2 और स्क्वायर जब इधर आएगा तो टोटल क्या आ जाएगा होल रूट हो गया। तो ये x और चूंकि प्लस माइनस में आ गया है ना, x का वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो जो y का वैल्यू आता है वो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो अगर हम पहले तो ये दोनों को ऐड किया गया था तो वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट के अंदर है ये माइनस ए बाय टू, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो जब भी हम लोग अब एक्स और वाई का वैल्यू आ चुका है, तो जब एक्स और वाई का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू ये पुट करेंगे और वाई का वैल्यू ये पुट करेंगे, डायरेक्ट ए प्लस आई बी का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका थ्योरी था स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो एट फर्स्ट आप सबसे पहले इस थ्योरी को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर एक्स और वाई का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा,
याद रखोगे तो फिर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। एक्स और वाई का वैल्यू क्या होता है यहाँ देख लीजिए एक बार अच्छे तरह से, कि क्या है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाई टू होल रूट हो गया, होल रूट बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई टू, ये प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, तो दोनों का ही वैल्यू प्लस माइनस में आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस माइनस में आ रहा है, तो ये स्क्वायर रूट को अच्छी तरह से याद रख लेना है ताकि हम लोग को आगे क्वेश्चंस बनाने में कोई परेशानी उतने ज़्यादा ना हो। तो हम दूसरा तरीका भी बताएंगे स्क्वायर रूट निकालने का बहुत ही ईजी मैथड से, तो वो और ज़्यादा क्लियर करेगा आपको। ठीक है।